Hey guys, welcome back our YouTube channel Techno Expert. तो guys, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक Facebook अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। तो guys, चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। उसके बाद आप इस मोबाइल में जाने के बाद आप सिंपली Facebook को ओपन कर लीजिएगा। Facebook को ओपन करने के बाद आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद एक और ऑप्शन खुल के आएगी जिसका नाम सेटिंग होगा, उस पर आपको फिर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको जाना है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उस पर भी प्रेस करना है। गाइज, प्रेस करने के बाद आपको यहाँ मेंशन करेगा किस नाम से अकाउंट है। उसके बाद आपको चले जाना है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, उस पर प्रेस कीजिएगा। उस पर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो इसके नीचे दो ऑप्शन खुल के आएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको परमानेंटली डिलीट करना है। तो इस पे चले जाना है डिलीशन के ऊपर। ठीक है, डिलीशन के ऊपर जाने के बाद डीएक्टिवेट आप करना चाहते हो अकाउंट को या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। तो गाइज, आप इस वीडियो को परमानेंटली डिलीट करने के लिए देख रहे हो। तो गाइज, यहाँ से परमानेंटली डिलीट, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन के ऊपर प्रेस करोगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप कुछ पढ़ना चाहते हो इसमें से तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन के ऊपर प्रेस करोगे। उसके बाद आप यहाँ से रिकवर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से डिलीट अकाउंट के ऊपर, डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई साहब, आप इस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो इसका जो पासवर्ड है हमें दे दीजिए और आप अपना अकाउंट है जो डिलीट कर लीजिए। तो आप याद रखेंगे जो आपका जो पासवर्ड था उसको इसमें पिन करेंगे, इसको पिन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करना है। ठीक है, तो गाइज, जो पासवर्ड था इनकरेक्ट हो गया है। आप जो आपका पासवर्ड होगा ट्राई करते रहना। ठीक है, तो गाइज, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा। डाल लेने के बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद कहेगा डिलीट अकाउंट। तो जी हाँ, मुझे डिलीट अकाउंट ही करना था, तो उसके ऊपर प्रेस करना है। तो गाइज, आप यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन है जो आप देख सकते हो। तो गाइज, इसका जो डिस्क्रिप्शन है यह बोल रहा है कि आप परमानेंटली हमेशा डिलीट करना चाहते हो तो इस फेसबुक आईडी को 30 दिन तक एक्टिवेट नहीं करना है। 31वां दिन होता है, 31 डेज, तो आप इसको ओपन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जो अकाउंट था वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। यदि आप इसको बीच में अगर 30 डेज के अंदर आप इसको ओपन कर लेते हो तो ये जो आपने रिक्वेस्ट की थी परमानेंटली डिलीट करने का वो कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।